धन्यवाद उपसभापति जी। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का आदेश दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार आई है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन और इसको लेकर जो आज़ादी के पहले से गुलामी की मानसिकता की चीज़ें थी उनको हटाने का अभियान चला। समाज में सब प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और हर क्षेत्र में उसका परिणाम भी देखने को मिला। वह केवल झाड़ू वाली स्वच्छता ही नहीं, अनेक प्रकार से आज का जो विषय है रीअपीलिंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, जिसमें बहुत सारे कानूनों को जो एक प्रकार से भार थे हमारी जनता के ऊपर, उनको समाप्त करने का काम सरकार प्रारंभ से ही कर रही है। ऐसे अनेक कानून, क्योंकि माननीय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि वो हम पर शासन कर सकें, हमको प्रताड़ित कर सकें, वो उसको सुधार के लिए नहीं थे, अपने शासन को मजबूत करने के लिए थे। आज़ादी के बाद वो कानून समाप्त होने चाहिए थे जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में जो पुराने पुराने बर्डन थे उनको समाप्त करने का काम किया। 40 साल की वन रैंक वन पेंशन, उसको सॉल्व किया। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा नीति 34 साल के बाद उसमें परिवर्तन किया, जिससे आने वाली पीढ़ी देश के स्वाभिमान की आवश्यकता के अनुसार देश के शासन में सहयोग कर सके। इसी प्रकार से कानून के अंदर भी ऐसी बहुत से कानून, लगभग 1486 कानून, ये इनको निरस्त किया गया। जो एक कमीशन बना दो सदस्य उसकी रिकमेंडेशन पर, क्योंकि एक भार थे हमारे ऊपर, बहुत सारे कानून लागू ही उनका आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो कानून की किताबों में भी बोझ थे, हमारे जजों के ऊपर भी बोझ थे, हमारे वकीलों के ऊपर भी बोझ थे और हमारी जनता के ऊपर भी बोझ थे। उनको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसी प्रकार से हमारी सरकार ने जो 2014 में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर 1458 अधिनियमों को और इसी प्रकार से निरसित कर दिया गया और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निरसन के लिए जो 28 संशोधन अधिनियम छांटे गए उनको भी निरस्त कर इस प्रकार 1486 अधिनियमों को निरसित किया गया। माननीय उप सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऊपर कहा गया कि अधिनियमों को निरसित करने के लिए अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना, हर आम आदमी को सुविधा प्रदान करना सभी क्षेत्र में, जिस प्रकार इजी डूइंग बिजनेस में अनेक प्रकार के कानूनों को निरस्त करके हम जीएसटी लेकर के आए, जिसमें 17 कानूनों को पूरे वन नेशन वन टैक्स करके सम्मिलित किया गया और लोगों को व्यापार में और टैक्स देने में सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार से हमने इजी लिविंग में भी बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। उसी को आगे रखते हुए हम इस प्रकार से आज ये बिल लेकर के आए हैं। माननीय हमारे कानून मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह बिल उन 229 राज्य अधिनियमों को निरस्त करने के लिए जो राज्य को भेजा गया था, संबंधित राज्य सरकार ने अब तक 79 उसमें से निरस्त कर दिए गए हैं और आज ये 65 कानून जो अधिनियम को निरस्त करने के लिए आज ये कानून पुनर्स्थापित किया गया है, इसमें 11 कानून और जोड़े गए हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व के थे,
जिनके कारण आम आदमी को बहुत असुविधा होती थी। आम आदमी के मतलब के वो कोई कानून थे नहीं, केवल कानून की किताबों में वो बोझ के रूप में पड़े हुए थे। आम आदमी को उससे परेशानी होती थी, आम हमारे जजेज भी उसके दबाव में रहते थे, हमारे वकील भी उसके दबाव में रहते थे, और जनता को किसी प्रकार की उससे सुविधा नहीं थी। जनता के लिए भी वो एक प्रकार से हर्डल थे। लोकसभा में 27/7/2023 को इसके लिए 76 अधिनियमों के लिए जो बिल लाया गया था और वहाँ पर वो पास हुआ है, उसी को आज यहाँ पर लाया गया है। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन इसके लिए जानी जाती है। हर क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और हर आदमी को सुविधाजनक रूप से देश के नागरिक के रूप में, कर्तव्यवान नागरिक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले, इसके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमने इसी प्रकार से देखा कि जो देश के अंदर विदेशों से फंडिंग वाले, बैठ जाओ सर, नहीं कंक्लूड करो, बैठो मत, हमने देखा कि यू आर मेकिंग फंडिंग वाले, यू आर मेकिंग वेरी गुड पॉइंट्स, मैं कर रहा हूं सर, तो उनको कंक्लूड करो। हमने देखा कि विदेशों से फंडिंग वाले ऐसे अनेक एनजीओस थे जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़े रहते थे। ऐसे लगभग 20,000 एनजीओ निरस्त किए गए, 2,00,000 के करीब शेल कंपनियां जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते थे, काले धन को सफेद करने का काम होता था, उनको निरस्त किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार करने का काम हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और अभी पिछले दिनों ही हमने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, उनको निरस्त करके अपने नागरिकों के स्वाभिमान के अनुसार नया कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार से सभी जो देश के ऊपर इस प्रकार के भार या अनुपयोगी कानून थे या जिस क्षेत्र में भी अनुपयोगिता है, उसको समाप्त करके हम देश को अगले 25 वर्षों में संकल्पबद्ध हैं कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उसके लिए हम इस प्रकार के सारे सुधारात्मक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।